थाईलैंड में कुछ बोला है इंडिया के बारे में, क्यों बोला है देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मेरा मानना है कि दुनिया में बहुत कम देश हैं जो किसी दूसरे कंट्री के सिटीजन्स में इस तरीके के इमोशन जगा सकते हैं। एक बार को पॉप स्टार आर्टिस्ट वगैरह भेजकर आप कॉन्सर्ट करवा सकते हैं, मगर लोगों के दिलों को जीतना वो बिल्कुल अलग बात होती है। और रिसेंटली जो वीडियो सामने आई है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से, उससे साफ साफ ये बात क्लियर हो जाती है कि इंडिया ने थाईलैंड के लोगों का दिल जीता है। नाउ सबसे पहले जो ये इमेजेस और वीडियोज़ हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब इस फोटो में आप देख पाओगे लिखा है बुद्ध भूमि भारत, जर्नी अलोंग द फुटस्टेप्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का एक जॉइंट एफर्ट है जिससे हम दुनिया में उन कंट्रीज़ में जहाँ पर बुद्धिज़्म मेन रिलीजन है वहाँ पर उनको ये बताएं कि देखिए लॉर्ड बुद्धा के कितने इंपॉर्टेंट रिलिक्स भारत के पास हैं, और अगर आप चाहें तो ये रिलिक्स हम आपके देश में भी ला सकते हैं एक एग्जीबिशन के लिए। और रिसेंटली भारत ने जब ये किया तो थाईलैंड में ये नज़ारा सामने आया, हज़ारों कुछ केसेस में लाखों लोग सड़कों पे आए, और इवन थाईलैंड के जो राजा और रानी हैं उन्होंने भी रिस्पेक्ट पे करी इन रिलिक्स को। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये बहुत ज़रा स्पेशल फोटो है, थाईलैंड के राजा आपको दिख जाएंगे, किंग रामा और जो क्वीन है थाईलैंड की ये भी आपको दिख जाएंगी। ये दोनों रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं उन रिलिक्स को। रिलिक्स का मतलब होता है अवशेष जो भारत से गए हैं थाईलैंड में, और ये आप देख पाओगे बहुत ज़रा स्पेशल मोमेंट है थाईलैंड के लोगों के लिए। आप देखोगे सर झुका के इन्होंने प्रॉपर रिस्पेक्ट पे करी है इंडिया के इस खूबसूरत जेस्चर की तरफ। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट ये कौन से अवशेष हैं, कौन से रिलिक्स हैं जो इंडिया ने भेजे हैं थाईलैंड में जिसके बारे में हमारा खुद का मीडिया कवर नहीं करा, देखिए हमारा मीडिया ने बिल्कुल इस टॉपिक को इतना कवर किया नहीं है। ऑल दो जो PIB है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वहाँ पे बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, बहुत सारी इमेजेस से शो किया है कि थाईलैंड के लोग कितने ज़्यादा खुश हैं इस जेस्चर को लेकर। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडियन मॉन्ग्स इन अवशेषों को ये डिस्प्ले पर यहाँ पे रख रहे हैं, और थाईलैंड के लोग कितने ज़रा खुश हैं इन रिलिक्स को वेलकम करके। और जो भी ये वीडियो सामने आ रही है ना इसके पीछे जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है ये आपको समझनी होगी, और ये भी समझना होगा कि थाईलैंड में जो आबादी है ये कितनी बड़ी है और बुद्धिज़्म यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट रिलीजन है। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और इंडिया के बिल्कुल साथ में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री दिखेगा थाईलैंड। आप देख पा रहे हैं ये नॉर्थ में यहाँ पे है म्यांमार, और म्यांमार के बाहर आता है थाईलैंड। थाईलैंड और इंडिया की कोई लैंड बॉर्डर आपस में टच नहीं करती, और थाईलैंड आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इन्होंने वीज़ा फ्री ट्रैवल अलाउ कर दिया इंडियंस के लिए। थाईलैंड की आबादी अपने आप में काफ़ी बड़ी है, 7 करोड़ से ऊपर की आबादी है, और थाईलैंड में जो मेन रिलीजन है, जो प्रेडोमिनेंट रिलीजन है यहाँ पर, ये है बुद्धिज़्म। 94 से लेकर 95% जो आबादी है थाईलैंड की ये बुद्धिज़्म फॉलो करती है, और बुद्धिज़्म ऑब्वियसली यहाँ पे इंडिया से ही आया है। देखिए प्रिंस सिद्धार्थ का जो जन्म है ये बिल्कुल कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था, मगर प्रिंस सिद्धार्थ से जो लॉर्ड गौतम बुद्ध बनने की जो जर्नी थी वो हुई थी इंडिया में, और इंडिया से ही बुद्धिज़्म जो रिलीजन है ये पूरे एशिया में फैला, और इसलिए आप देखोगे थाईलैंड में आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा भारत का। और जो इन्फ्लुएंस है ना ये सिर्फ आप स्टैचूज की फ़ोटो दिखाकर या वीडियोज़ दिखा के डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस अगर कहीं पर देखना है ना तो ये देखो कि उस कंट्री की जो लैंग्वेज है वहाँ पर कहाँ से इन्फ्लुएंस आया है। थाईलैंड में जो इनकी भाषा है थाई लैंग्वेज, वहाँ पे ना आपको पाली भाषा जो जिसका जन्म भारत में ही हुआ था आपको पता होगा ये सेक्रेड लैंग्वेज मानी जाती थी ऑफ बुद्धिज़्म, तो पाली भाषा और साथ ही साथ संस्कृत भाषा का इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा, जी हाँ थाई लैंग्वेज में। और इवन थाईलैंड में जो इनके राजा होते हैं ना रामा द किंग्स ऑफ थाईलैंड जो चक्री डायनेस्टी से आते हैं, इन्होंने जो ये नाम है ना रामा ये भी हिंदू गॉड लॉर्ड राम से लिया है जो अवतार थे विष्णु जी के। अब इतना तो यहाँ पे आप समझ गए कि इंडिया और थाईलैंड के बहुत ज़्यादा डीप रिलेशंस हैं। नाउ इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक स्टेप ये चला कि हमने इंश्योर किया कि दुनिया में जो भी कंट्रीज हैं जहां पर बुद्धिज़्म मेजॉरिटी रिलीजन है या फिर एक बहुत ही बड़ी आबादी रहती है जो बुद्धिज़्म को फॉलो करती है वहां पर ना हम लोग एग्जीबिशन करेंगे। जो इंडिया के पास धरोहर है
बुद्धिज्म की, हमारे पास जो बहुत सारी रिलीजियस सिग्निफिकेंस की आइटम्स हैं उनका हम एग्जीबिशन करेंगे। इन रिलिक्स को वेरियस कंट्रीज में लेके जाएंगे, वहां पे लोग इन रिलिक्स के दर्शन कर पाएंगे 25 दिन तक, 30 दिन तक। और इससे देखिए इंडिया की जो गुडविल है ये भी दुनिया में काफी हद तक बढ़ेगी। और दुनिया में अगर हम देखें तो बुद्धिस्ट मेजोरिटी वाले जो कंट्रीज हैं ये आपको दिख जाएंगे, ज्यादा नहीं है, गिनती के आप कह सकते हैं 4 कंट्रीज ही है जहां पे बुद्धिज्म एक बड़ी मेजोरिटी है। थाईलैंड जैसे मैंने आपको बताया 93% यहाँ पे आबादी बुद्धिज्म को फॉलो करती है। फिर म्यांमार, म्यांमार में 90% के आसपास ये नंबर है। श्रीलंका में ये नंबर है 70% का। और फिर आता है सिंगापुर। फिर उसके बाद देखिए बुद्धिस्ट के जो ओवरऑल नंबर्स हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। चाइना को हम यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पे बड़ी जो आबादी है वो कहती है कि हम किसी रिलीजन को फॉलो करते नहीं है, वो एथियज्म को फॉलो करते हैं। और इसको ही ध्यान में रखते हुए रिसेंटली इंडिया ने सबसे पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट भी होस्ट किया था इन इंडिया। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं 2024 में इंडिया जो ये इंपॉर्टेंट रिलिक्स हैं लॉर्ड बुद्धा के, उसके अलावा जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके जो रिलिक्स हैं ये हम लेके जा रहे हैं इन बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्रीज में। ये मैं कहूंगा बहुत अच्छा स्टेप है, इससे इंडिया की गुडविल बढ़ती है। इंडिया दुनिया को ये बताता है कि जो रिलीजन आज के समय इंडिया में मेजॉरिटी रिलीजन नहीं है उस रिलीजन की हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो इस रिलीजन के फॉलोअर्स हैं बाकी कंट्रीज में उनके लिए भी किस तरीके से हम रिलिक्स प्रेजेंट करते हैं। तो जो ये वीडियो सामने आई है, जो ये इमेजेस सामने आई हैं, इंडियन मीडिया में तो खैर इतना इसको कवर नहीं किया जाएगा, एक दो आर्टिकल इसके पब्लिश हुए थे कुछ टाइम पहले, बट इसका जो कल्चरल इम्पैक्ट है थाईलैंड पे ये कई सालों तक महसूस किया जाएगा। सो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिस्टिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो जी दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। अच्छा इसमें तो कोई दो राय नहीं है, काफी इंडियन भाई नीचे कमेंट भी करते हैं कि ये जो बुद्धिज्म है ना, बुद्धिज्म सिखिज्म जैनिज्म या इस तरह जो भी रिलीजियंस हैं वो कहते हैं कि हमारी ही शाखें हैं। और ये बात साबित भी होगी इसमें, इसमें प्रशांत साहब ने यही बताया ना कि वो जो सिद्धार्थ या जो बुद्धिज्म के जो बानी थे बुद्धा बने थे या वो इंडिया में ही बुद्धिज्म को जन्म दिया था, उन्होंने इन्हीं की तलीमात को मॉडिफाई किया या जो भी आगे लेकर चले, तो ये हमारी ही शाख है। तो उस पर थैंक यू क्यों, थाईलैंड बोला है सारी बात है, वो उन्होंने कुछ चीज़ें सेंड की, अब वो नाम नहीं मुझे आ रहा क्या था, दान एक किस्म की कुछ चीज़ें थी या गिफ्ट था एक किस्म का वो जो रखी हुई थी बड़े बड़े सी, अब मुझे तो उनके भाई नाम भी नहीं आते वो क्या क्या है, क्योंकि उनकी उस मज़हब के लिहाज को नाम भी हैं। तो उस वजह से इंडिया ने दिया, लोग सड़कों पर बड़ा खुशी के साथ, और इंडिया और थाईलैंड के रिलेशन क्यों ना हो, क्योंकि ये एक ही पेड़ की दो शाखें हैं, मतलब बुद्धिज्म बुद्धिज्म हिंदुज्म की आगे एक शाख है ना, वो भी मतलब के बुतों को बुतों पूजा करते हैं, वो भी जो भाई इसकी पूरी डिटेल मुझे नहीं पता इनके क्या है अकायद का, मुझे कोई पता नहीं, पूजा करते हैं तो मतलब नहीं, 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 देखने में जो लगता है तो ऐसे लगता है कि वाकई इनका बैकग्राउंड कोई एक ही है, ज्यादा डिटेल में हमें वाकई नहीं पता इसमें, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। इतना जरूर पता है कि ये एक ही मतलब हिंदुइज्म की जो पेड़ के आगे ये शाखें हैं जिसमें बुद्धिज्म सिखिज्म ये मुझे मजाक होता था, हिंदुइज्म तो है ना, ये तो पेड़ है ना, ये तो सेंट्रल है, सेंटर में मौजूद है, और ये आज से हजारों साल का आ जाता है कि पुराने मजहब हैं। और इस लिहाज से इंडिया और थाईलैंड के जो है ना मतलब रिलेशन जो है वो दुनिया के सामने भी क्यों ना हो भी क्यों ना, इसके बरक्स भी ये नहीं कि ये एक मजहबी लिहाज, इसके बरक्स जो इंडिया के वैसे भी तलका ज्यादातर वहाँ पर जाते हैं टूरिस्ट की शक्ल में वहाँ पर, क्योंकि वो था जो है ना वो भी काफी खूबसूरत प्लेस है, जिस तरह जाते थे ना मालदीव में, इसी तरह थाईलैंड में भी जाते थे, थाईलैंड में खूबसूरत कंट्री है भाई, काफी जो है ना अच्छी है, उसकी जो लोकेशन है जो है ना जियोग्राफिकली वो बहुत खूबसूरत है, और मजहब के लिहाज से भी देखा जाए तो तकरीबन मतलब के मिलते जुलते ही हैं इनके अकायद, मजहबी अकायद जो है ना ये एक जैसे ही हैं, तो ज्यादा वाकई यार इनके अलावा बिना डिप्लोमेसी की अगर बात रिलीजियस कनेक्शन छोड़कर भी इंडिया के अपने जो कंट्री साथ साथ हैं उनके साथ तल्कात काफी बेहतर है, साथ साथ क्या जितने दूर भी हैं उनके साथ भी उनके साथ तल्कात है, नहीं है तो पाकिस्तान के नहीं है किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे, नहीं इंडिया के भी बांग्लादेश से भी निकाले जा रहे हैं ये हकीकत बात है, मालदीव से भी, चाइना से भी, पाकिस्तान से भी,
और देखने के चारों तरफ जो है ना चले चले वो तो बांग्लादेश है वहां से निकाले जा रहे हैं, आपके मुस्लिम कंट्री से क्यों निकाले जा रहे हैं, यूएई से क्यों निकाले जा रहे हैं, सऊदी अरबिया काम करते हैं कांड करते हैं, अच्छा नहीं समझता तो उसका मतलब अच्छा नहीं समझती वहाँ चारों जो तरफ जो की कंट्री है नेबर कंट्री सभी उनको अच्छा नहीं समझ चले। आपके देख रहे हैं आपके जितने नेबर हैं उनमें से आपके ताल्लुक जो है ना के मुल्कों के साथ अच्छे हैं ये बता दें। हमारे तो हम तो हैं ही पहले लूटे हुए बात तो ये है ना कि इमेज के साथ हमारा तो हम तो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया एक मतलब किधर जा रहे हैं बात हो रही है थाईलैंड की इंडिया की बुद्धिज्म की हो रही है, की बात वो कर रहा है और हिंदुइज्म की इंडिया ने उनको तोहफे भेजे हैं उन्होंने स्वीकार किए हैं माने एक्सेप्ट किए हैं खुशी की एक खबर थी इंडिया के लिए उन्होंने थैंक यू बोला है उनके भाई ताल्लुकात हर कंट्री के साथ अच्छे बात हम यही कर रहे जना। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि बांग्लादेश से निकाले जा रहे हैं तो एक आध कंट्री जो है वो नफरत में अगर निकाल भी देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी बाकी दुनिया के साथ भी उनके ताल्लुकात बुरे हैं। चलें जी खैर इसमें ज़्यादा कुछ तो हमें इस बुद्धिज़्म के बारे में हिंदुज़्म के बारे में इलम नहीं इसलिए पर हम इसमें कोई भी अपने पास से मनगढ़ंत बात नहीं करेंगे इतनी ही काफ़ी है। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ तब तक दीजिए इजाज़त अल्लाह।